हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज जाएंगे हम हिमाचल, तो मैं आपको सारी की सारी अपनी तैयारी दिखाऊंगी और दिल्ली टू हिमाचल की जर्नी भी दिखाऊंगी कि हम कैसे कैसे जाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे हमारे बच्चे हमें परेशान करेंगे ट्रेन में। ठीक है, तो फिर आप लोग देखना। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ आज काम कर करके ना। 2-3 दिन से हमारी तैयारियाँ ही चल रही थी, अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो फिर अभी मैं थोड़ा खाने पीने की तैयारी करूँगी, देखते हैं क्या बनाना क्या नहीं बनाना, क्योंकि बच्चे सफ़र में कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, तो उनके लिए उनके हिसाब से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं दिखाऊँगी फिर मैं क्या बना के लेके जाऊँगी। गाइस, मैं ब्लॉग भी बना पाई क्योंकि हमारी ट्रेन निकल गई थी, बड़ी मुश्किल से भाग भाग के मैंने ट्रेन पकड़ी है। तो अभी तो मैं उन लोगों से भी नहीं मिल पाई हूँ, वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं। ये देखो, हमारी ट्रेन में सोने के चक्कर में हम कहाँ पे हैं, मैं और दीप्ति रह गए बस, बाकी सब लोग चले गए। अब देखो हम कहाँ मिलेंगे, उनको दिखाते फिर बताते कहाँ मिलेंगे। फ्रेंड्स को हम बैठ गए हैं ट्रेन में, हमें मिल गई हमारी वाली सीट जो है। ये देखो पीछे गिप्पी बैठी हुई है, तो हमें ऊपर वाली मिली है, सबसे ऊपर वाली। आवाज़ नहीं आ रही आपको भी। हम आराम से अपने ट्रेन में बैठ गए हैं, भाग भाग के हमने ट्रेन पकड़ी बड़ी मुश्किल से। ऐसे करो, तो ये देखो हम बैठ गए हैं, सबसे ऊपर वाली सीट है हमारी जो कि हमने बुकिंग की थी। ये दिखाई नहीं दे रही, खाना खा रहे हैं। देखो देखो मैंने क्या बनाया है, खाने में देखो पास्ता बनाया है मैंने, बीन्स की सब्जी। बाकी वो दिखाऊंगी मैं आपको क्या बनाया। गिप्पी क्या खा रहा है, क्या चीज़ें खा रहा है? गुड्डू कहाँ है गुड्डू? नानी पास हो गई, क्या चीज़ खाया तूने? बूढ़ी नानी कहाँ है? बूढ़ी नानी, बूढ़ी नानी कहाँ है? गाय घर है। ठीक है, बाय बाय कर दे। ट्रेन से उतर गया, बैग रखने के चक्कर में बड़ी मुश्किल से कम से कम मिलते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं डेजर्ट में क्या लेके आई। ये मेरी फेवरेट है, इसको पता ही होगा आप लोग क्या बोलते हैं, ये है डोसा बर्फी, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये लेके आई। और जो मेरे हस्बैंड है उनको ये पसंद है पेठा, तो मैं डेजर्ट के लिए ये पेठा लेके आई हूँ। देखो मैं तो हाँ लेट गया, आराम से फ़ोन चला रहे हैं, उनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉग वगैरह बनाने में। ये गिप्पी को साथ में लिटा रखा है इन्होंने, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो बोलते कि तू तो अपना टेंशन फ्री होके ब्लॉग बना, और क्या बोलते हैं मैं गिप्पी को संभाल लूँगा। तो ये अपना खाने में लगे हुए हैं अपना आराम से। देख लो गिप्पी, रेलवे स्टेशन यहाँ से अभी 3 घंटे और लगेंगे। ये देखो कितनी प्यारी सी गाड़ी सजी हुई है, शादी की किसी की। तो ये जहाँ पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ से हम ना चाय पीते, एक मतलब छोटा सा ढाबा है, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ बैठ के खाने पीने में। तो वो सामान छोड़ के आ रहे हैं, वहाँ पर ऑटो का रास्ता नहीं है इसलिए। ये देखो गिप्पी को मैंने चीज लिस्ट दिला के सेट कर दी है। अभी हमें पूना से निकले हैं, तो पूना से जाना है कोटा में। अभी लगता है टाइम दिखाते हैं। यहाँ पे सारे देखो पीछे बैठे हुए हैं, और मैं और गिप्पी यहाँ पे बैठे थे, लेकिन मैंने गिप्पी को पीछे भेज दिया क्योंकि वो रो रहा था। मैंने उसको चीज़ वीज़ दिला दिया और मैं भी खा रही हूँ आराम से। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है भोटा बस स्टैंड, ये राधा स्वामी का हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस है, यहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। गिप्पी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने यहाँ से दवाई ली थी, और यहाँ पर ना सब बस स्टैंड काफ़ी
मतलब अच्छे अच्छे बना रखे होते हैं। जैसे ये देखा आपने, बारिश वगैरह होती रहती है तो उससे मतलब भीगे ना, तो उससे बचने के लिए इस टाइप के बस स्टैंड बना के रखते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कंगना रनौत की, तो वो यहीं की थी। और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। ये था बोटा, रास्ता 10 मिनट का है, तो हम दूरी पे पहुँच जाएंगे, कुछ सेकंड में अपने घर पहुँच जाएंगे। ये देखो भैया ने यू टर्न मार लिया है, और बस अब हम उतरने वाले हैं। बड़ा ज़्यादा थक गए यार ट्रेन के पीछे भाग भाग के। थैंक गॉड विशाल ने चेन खींची। ये देखो कितनी ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। हम पहुंच गए, यही है हमारा घर और यही हमारे घर की लोकेशन है। ये देखो ये बैक साइड है और बाकी हमारे घर की साइड है, ये खाली। जब बनाऊंगी, जब आप लोग सारे मम्मी ने एंट्री ले लिया उस पे कमेंट करोगे, वो बोलते तुम अपना देखो हमारे घर के सामने कितने फ्लावर्स आ रखे हैं। हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। चलो गिप्पी अंदर, चलो चल गिप्पी, गुड्डू अंदर चल, चल भाग ले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। हम लोग पहुँचे थे 11 बजे, पहुँचे थे 11:30 बजे। तो उसके बाद से मैंने गिप्पी गुड्डू को नहलाया, काम वाम ख़त्म किया अपना, और मैं सफाई वफाई करने लग गई क्योंकि थोड़ा रूम वगैरह गंदा हो रखा होता है तो मुझे सफाई वगैरह थोड़ा सा करनी पड़ती है। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, अभी 6 बज रखे हैं, अभी मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। तो हमें जिनके घर में शादी है अभी उनके घर जाना है, तो इसलिए मैं रेडी हुई हूँ अभी। तो अभी हम थोड़ी देर में उनके घर पे खाने पे। आज मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सफाई वगैरह कर रही थी और मुझे रेस्ट भी नहीं मिला है, क्योंकि शादी वादी का घर है तो कोई भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गंदा सा हो रखा था। तो मैंने आज सफाई वगैरह कर दी, कल मैं अपनी सास के रूम की सफाई करूँगी, ये देखते हैं कहाँ की करनी कहाँ की नहीं करनी। बाकी मेरे रूम की कंप्लीट हो गई है, बाकी आगे का आप लोग देखना। मैं अपना दिल्ली वाला मिरर डेकोरेट कर रखा है ना, तो मैंने यहाँ पे भी डेकोरेट कर दिया आज, क्योंकि मुझे ऐसे ना सुनसान सा बोलते जिसको अच्छा नहीं लगता। बताओ कैसा लग रहा है, देखो ये सब कुछ डेकोरेशन का सामान मैं घर से लेके आई थी। मैंने अपने रूम के मिरर को और साइड कॉर्नर वाला डेकोरेट कर दिया, अभी रूम का थोड़ा सा रह रहा है, वो कल करूँगी। ठीक है, चलो बाय बाय, फिर देखते हैं। अभी हम जाएंगे अंकिता के घर पे, शायद खाना वहीं पे खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे तो देखते हैं। बाकी चलो ठीक है, बाय बाय।